बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज हमारा टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा। सबसे पहले डाइवर्सिटी पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं। प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इक्वेटिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो इक्वेटिक होते हैं, मतलब ये पानी में पाए जाने वाले जानदार हैं। दूसरा, ये क्या है? यूकेरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है। इनकी सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो किससे मिलती जुलती हैं? यूकेरियोट से मिलती जुलती हैं। लेकिन इनकी नेचर बहुत कम्प्लेक्स होती है। हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि इनका सब कुछ जो है वो यूकेरियोट से मिलता जुलता है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो प्रोकेरियोट से भी मिलती हैं, इसलिए इनकी एक सेपरेट किंगडम बनाई गई है। ना तो इनको प्लांट्स में हम अकोमोडेट कर सकते हैं, ना एनिमल्स में, ना हम इनको बर्ड्स के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं, ना फिश के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। इनका सेपरेट ग्रुप बनाना पड़ता है, क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टीज इन तमाम जानदारों से डिफरेंट होती हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट काम है। डाइवर्सिटी इनकी किन किन चीज़ों में आती है? साइज के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तमाम ऑर्गेनिज्म का साइज हम नहीं कह सकते कि एक जैसा होता है। कुछ इनके अंदर छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी डाइवर्स है, डिफरेंट है। इनका मीन्स ऑफ लोकोमोशन भी, सबका अपना अपना डिफरेंट मीन्स ऑफ लोकोमोशन है, कि मूवमेंट का तरीका भी इनका सेम नहीं है। न्यूट्रिएंट्स हासिल करना भी इनके डिफरेंट तरीके हैं जिससे ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। हैबिटेट, रहने की जगह भी इनकी डिफरेंट है, एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इनका डाइवर्स होता है। देन इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पॉलीफाइलेटिक टाइप ऑफ ग्रुप है। अब पॉलीफाइलेटिक किसे कहते हैं? हमने जब हिस्ट्री पढ़ी, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी जानदारों की, तो हमें ये पता चला कि जो जानदार होते हैं वो पीछे से प्रोकैरियोट से इवॉल्व होके आए हैं। यानी इनका इंसेस्टर क्या था? बैक्टीरिया था, प्रोकैरियोट था। लेकिन जब हम प्रोटिस्टा को स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये डू नॉट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। हम नहीं कह सकते कि तमाम के तमाम प्रोटिस्टा एक कॉमन एंसेस्टर से निकल के आए हैं, यानी इनके बावजूद सेम थे। हम ये बात नहीं कह सकते। तमाम प्रोटिस्टा को जब हम स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कुछ प्रोटिस्टा डिफरेंट है, कुछ किसी और तरीके से डिफरेंट है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि इनके बावजूद भी सेम थे, इनके बावजूद भी डिफरेंट थे। इसलिए हम इसे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ लीनिएज कहते हैं। देन माइकलिस एंड स्क्वार्ट जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इनके 27 फाइलास बनाए हैं, 27 ग्रुप्स बनाए हैं प्रोटिस्टा को अकोमोडेट करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए। सबसे मेजर ग्रुप इनका आ जाता है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? इसमें वो प्रोटिस्टा आते हैं जो कि एनिमल लाइक होते हैं। इनके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एनिमल्स में मौजूद होती हैं। देन इनमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल किसकी आती है? अमेबा की। अब अमेबा के अंदर क्या होता है, इनका हैबिटेट क्या होता है? इनके चार तरह के हैबिटेट होते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ये अटैच नहीं होते किसी जगह पे, ये फ्रीली पानी के अंदर रहते हैं। कुछ होते हैं वो मरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो सॉइल में रहते हैं, जमीन के अंदर। और कुछ ऐसे अमेबाज होते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं। अब पैरासाइटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपने न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए, शेल्टर हासिल करने के लिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है। वो किसी जानदार के अंदर चले जाते हैं, वहां पे शेल्टर हासिल करते हैं, न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं, और इन रिटर्न उनको नुकसान पहुंचाते हैं। मूवमेंट इनकी कैसे होती है? अमीबा की लैग फ्लैजेला, मतलब इनके अंदर फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। फ्लैजेला आपको पता है एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, जिसके जरिए से कोई भी ऑर्गन मूव करता है, लेकिन इनके अंदर नहीं है। तो ये फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट नहीं करते। ये क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया क्या है? ये अपने इनका जो सेल होता है उसके अंदर से साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शंस बनाते हैं, छोटे छोटे साइटोप्लाज्म की ऐसे आउटवर्ड प्रोजेक्शंस बनाते हैं। ये प्रोजेक्शन ही इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इन्हीं प्रोजेक्शंस को, ये जो उभार से निकले हुए हैं साइटोप्लाज्म के, इन्हीं प्रोजेक्शंस को हम सूडोपोडिया कहते हैं। और इन्हीं की मदद से ये क्या करते हैं? पानी के अंदर मूवमेंट करते हैं। इनकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल अमीबा की है एंटमीबा। एंटमीबा जो है वो एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक ह्यूमन पैरासाइट है। ये इंसान की इंटेस्टाइन में रहता है और ये डिजेंट्री कॉज करता है। डिजेंट्री एक स्वेयर फॉर्म ऑफ डायरिया है, जिसके अंदर लूज मोशन विद ब्लड एंड म्यूकस भी हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा स्वेयर और ख़तरनाक कंडीशन होती है डायरिया की।